हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, वो घबराए हुए हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा। तो ये एक लाइव वीडियो भी हम लेके आए हैं। जब हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे यानी इस न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आपको लाइव वीडियो के रूप में मिल जाएगा। वहाँ पे देख सकते हैं कि किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, किस तरह का प्रैक्टिस आपको करके जाना है ऑनलाइन टेस्ट में, तो वो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा अगर आप अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन की। तो इसमें देखा जाए तो ये प्रभात न्यूज़पेपर का कटिंग है, आज का है यानी 13/8/2020 का, पटना का संस्करण है, पेज नंबर 5। इसमें देखा जाए तो बिहार स्टेट के बारे में दिया गया है, स्टेट 2019 7 वर्ष तक बन सकेंगे शिक्षक। इसमें सब पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। और अगर आप दैनिक भास्कर आज का पढ़ते हैं तो उसमें फिर से लिखा गया है जो हमारी मांग है उसके बारे में कि सिलेबस फिर से जारी नहीं किया गया, तो उसका भी कटिंग आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए ये। अब हम इस न्यूज़पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो ये गलत इन्होंने लिखा है, CET/ET में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे एस्टेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ इन्होंने लिखा है, घर ले जा सकेंगे प्रश्न पत्र, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो प्रश्न पत्र दे दे तो। लेकिन ये कौन सा प्रश्न पत्र है, ये तो ऑनलाइन टेस्ट में देगा, क्या वो प्रिंट आउट करके देंगे, क्या करके देंगे मुझे नहीं पता। इन्होंने क्यों लिखा गया है इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो घर ले जा सकेंगे प्रश्न पत्र, और यहाँ पे जब देखिएगा ये बताया इन्होंने कि कंप्यूटर के लिए इतना प्रश्न होंगे, ये सारी चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ इन्होंने लिखा गया है, लिखा क्या है कि समिति ने कहा है कि परीक्षा के बाद परीक्षार्थी प्रश्न पत्र लिए परीक्षा के बाद परीक्षार्थी प्रश्न पत्र साथ ले जाएंगे। अब ये किसने कहा है, तो समिति ने कहा है कि परीक्षा के बाद परीक्षार्थी प्रश्न पत्र साथ ले जाएंगे, साथ ले जाने की बात कही गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ से प्रश्न पत्र आएगा, कैसे होगा, इसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। मे बी अगर ऐसा होता है तो बहुत बेहतर हो जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन टेस्ट में पता ही नहीं चलता कौन प्रश्न पूछा गया था और उसका क्या उत्तर दिया था, याद भी नहीं रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक इस तरह का व्यवस्था हो जाए कि प्रश्न पत्र मिल जाए या प्रिंट आउट करके मिल जाए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आगे के लिए प्रूफ का भी काम करेगा। तो इन्होंने जो लिखा है तो बहुत बढ़िया लाइन लिखा गया है, और यही इन्फॉर्मेशन था जो आपको बताना था। अब हम देखते हैं जो जिस पे ये वीडियो विशेष है कि ऑनलाइन टेस्ट में आपको असुविधा हो रहा है, अभी तक आपने नहीं दिया है, तो लाइव हम आपको बताते हैं सारा चीज स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप जानते हैं बिहार स्टेट का जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, तो उनके लिए विशेष वीडियो है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि क्या क्या आपको पहले से तैयारी करके जाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लैपटॉप पे हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको डेस्कटॉप दिया जाए। डेस्कटॉप में होता क्या है, सेम रहेगा, ये जिस तरह का स्क्रीन दिख रहा है इसी तरह का एक टीवी नुमा आपको स्क्रीन दे दिया जाएगा, जैसे आपके घर में टीवी है उसी तरह का एक स्क्रीन होगा। और ये कीबोर्ड जो होगा ये देखिए चिपका हुआ है, ये अलग रहेगा लेकिन की इसी तरह का रहेगा, सेम ये चीज नहीं रहेगा लेकिन की इसी तरह का कीबोर्ड रहेगा, कीबोर्ड था हमने लेकिन लगाया नहीं है, सेम है। और एक माउस इसमें लगा हुआ रहेगा, ये माउस का खूबी क्या है कि देखिए ये देखिए माउस में ऐसे चला रहा हूं तो ये देखिए सामने कुछ चल रहा है तीर नुमा, यही चलेगा, यही आपको सीख के जाना है, यही माउस चलाना सीखना है ताकि क्वेश्चन वगैरह को टिक करना है तो आप आराम से। इसमें देखिए क्या होता है, ये इस माउस में तो दो बटन है, एक ये बटन है एक ये बटन है, बीच में स्क्रोलिंग का भी है। चलिए ये बटन क्या है इसको मैं समझा देता हूँ, ये बटन है आपका सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कहीं भी अगर मुझे क्लिक करना होता है ना तो ये बटन मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इधर वाला बटन मैं क्लिक करता हूँ। ये बटन क्या होता है कि इस बटन से ऑप्शन आते हैं, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो आपको ज्यादातर इस बटन का यूज करना है, इस वाले बटन का, ठीक है। बीच वाला स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉलिंग क्या करता है, जैसे मैंने क्लिक किया साइन अप बटन पे और यहाँ पे पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो मैं ये बीच वाले जो तीर का नुमा है इसको मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा तो ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मुझे जो भी फिल करना हो फिल कर सकता हूँ आराम से, मान लीजिए मेरे पास अकाउंट बना हुआ है हिंदी क्लब का तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इधर वाले बटन से मैंने क्लिक किया, ठीक है, इसको यहाँ क्लिक करके मैंने हटा दिया। तो ये आपको सीख के जाना होगा, ये आराम से माउस चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि एक माउस चलाना आपको जानना चाहिए, माउस का जो भी मतलब जैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने समझा दिया, ये इस तरह का माउस है आप देख सकते हैं, इसी तरह का माउस आपको दिया जाएगा।
कीबोर्ड का ज्यादा आपको काम नहीं है, कीबोर्ड में कुछ डालना होगा तो स्टार्टिंग में वो हेल्प करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे, लेकिन ये माउस आपका हाथ पकड़ के चलाना वहां पे नहीं सिखाएंगे। तो ये आपको सीखते जाना, बाकी सब जो भी एग्जाम मतलब एग्जाम में रहेंगे वो लोग आपका हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर हिंदी क्लब का ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये जो नंबर दिया गया है ना ये व्हाट्सअप इस पे कर सकते हैं, कॉल नहीं किया जा सकता है, 7360003430 पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का आपको परेशानी अभी तक हुआ है। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि और क्या आपको दिया जाएगा, तो आपको इस तरह का ब्लैंक पेज दिया जा सकता है, आप अपना डिटेल्स लेके जाएंगे, एक घंटा पहले आपका एंट्री हो जाएगा, तो ये आपको अपनी सीट पे बैठने के बाद इस तरह का आपको पेपर, दो पेज हमने लिया है तो इस तरह का एक पेज आपको दिया जा सकता है, आपका अपना कलम रहेगा तो ये लेके आप जाएंगे ही। जिसपे इसपे होगा क्या, जैसे रीजनिंग वगैरह है, रीजनिंग में जो प्रश्न है वो मैथ के होते हैं, उसे आपको सॉल्व करने के लिए पेज दिया जाएगा, और भी पेज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये पेज बाद में ले भी लिया जाएगा, ये पेज वो लोग जमा भी कर लेते हैं, ले लिया जा सकता है, मे बी अगर लेना चाहे तो ले सकते, नहीं भी ले सकते। तो ये हुआ आपका जो पहले का हुआ इस तरह का कंडीशन। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही आप जाएंगे सिस्टम पे बैठेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है, इतना स्टेप समझ गए, माउस चलाना आप जानते हैं, माउस चलाने के लिए आप किसी साइबर कैफे में जा सकते हैं, आपके घर में लैपटॉप है उसमें माउस खरीद के लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल में भी बहुत सारे माउस इस समय लग जा रहे हैं, तो आपका मोबाइल वैसा है को वैसा माउस खरीद के आप मोबाइल से भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे मैं समझा रहा हूँ कि क्या करना है, तो इस तरह का विंडो ना खुल के किसी अन्य तरह का खुलेगा, यहाँ पे लोगो मतलब बिहार स्टेट वगैरह कुछ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे लोगो बिहार गवर्नमेंट वगैरह का रहेगा, यहाँ पे कुछ एक या दो डिटेल्स आपको भरने के लिए कहा जाएगा, तो वो टीचर जो रहेंगे वो आपसे भरवाएंगे, जैसे रोल नंबर हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, ये सारे भरवाएंगे, और ये साइन अप का बटन ये सारा नहीं रहेगा, एक ही बटन रहेगा, तो यहाँ पे वो डलवा देंगे, ये डलवा देंगे, और यहाँ पे एक बटन रहेगा जिसपे क्लिक करते ही आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग में कुछ नोटिफिकेशन पूछेगा, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं, इसको हम कर देते हैं, हम चले जाते हैं, मान लीजिए वहां पे भर दिए, तो हिंदी क्लब का अपना अलग है, तो यहाँ से भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो ये इस तरह से बनाया गया है कि यूजर फ्रेंडली है, कोई इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा, ठीक है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ये प्रश्न देख सकते हैं, ये पूछा गया है 28 जनवरी 2020 के पेपर में, ए का 33%, बी का इतना परसेंट के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात है, इस तरह से प्रश्न आ गया और ये आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये क्या करना है आपको, मतलब रीड करके देखना है कि कौन सा आंसर होगा, तो तुरंत सॉल्व कर लीजिए, इतना परसेंट इतना तो इतना परसेंट इतना। अब इसको मान लीजिए ये मेरा आंसर होता है, तो ये मैं सेव और नेक्स्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन हो गया, यानी इसका उत्तर आपने दे दिया, और मान लीजिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ, सेव नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये आगे बढ़ जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन का मुझे उत्तर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, तो जिस अवस्था में ये कलर है देखिए उसी कलर में ये रह गया, तो इस तरीके का हिंदी क्लब का बनाया गया जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन वो किस तरह का दे सकते हैं, इसमें टाइमिंग वगैरह हमने नहीं रखा है, या टाइमिंग वगैरह सब कुछ होता है, तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल के लिए हमने रखा है, तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट हम करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है, ये खुल रहा, थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रहा, इस तरह का भी इंटरफेस हम लोग बना सकते थे, लेकिन ये मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है, ये डायरेक्ट आपका खुल गया, लेकिन आपसे एक मैसेज की तरह दिया जाएगा, स्टार्टिंग में एक मैसेज पूछेगा जिसको आपको ओके करना होगा, और ये इंग्लिश में है ना, तो ये इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा, या तो हिंदी में रहेगा नहीं तो अंग्रेजी में रहेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसपे यहीं पे रहता है, जिससे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ ऊपर में रहता है, जहाँ से आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब आपका हिंदी भाषा का है तो हिंदी का हिंदी में रहेगा, अंग्रेजी भाषा का है तो अंग्रेजी में ही रहेगा, ये आपका रीजनिंग वगैरह के लिए है, साइंस वगैरह के लिए है, दो भाषा में वो आ सकता है, लैंग्वेज के लिए ये चेंज नहीं हो सकता है, संस्कृत है तो संस्कृत में ही रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ओवरव्यू है, ये 30 क्वेश्चन का है, तो 30 क्वेश्चन का यहाँ पे बना हुआ है पूरा, तो ये करके ये किस तरीके से पूछेगा, नॉट अटेम्प्ट इस कलर में दिखेगा, अटेम्प्ट इस कलर में दिखेगा, टू बी रिव्यूड बाद में आपको देखना है तो इस कलर में दिखेगा, नॉट रिव्यूड एट इसके लिए इस कलर में दिखेगा, और ये इस कलर में, अटेम्प्ट एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू तो ये इस कलर में दिखेगा,
इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने कितना कीजिए और ये फिनिश करने के लिए, जहाँ फिनिश कीजिएगा तो पूरा सबमिट हो जाएगा। तो और यहाँ पे देखिए टाइम भी चल रहा है, इस तरीके से टाइम भी चलेगा। तो ये सारी चीज आपको मैंने पहले समझा दिया कि टाइम भी यहाँ चलता रहेगा, वो टाइम आपका ढाई घंटे का रहेगा तो समय तो पूरा रहेगा। और ये आपको देख के घबराना नहीं है, ये जिस क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जिस क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक किया हमने उस पे चले गए। मान लीजिए इसका आंसर हमको टिक करना है बी नंबर, तो बी हमने सेलेक्ट किया, सेव नेक्स्ट किया हमने। तो देखिए ये ग्रीन हो गया, आपने देखा ना ये ग्रीन हो गया। अब मान लीजिए इसका आंसर, इसका आंसर देते नहीं है, रिव्यू लेटर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये रिव्यू लेटर देखिए इस कलर में हो गया, तो इस तरह का कलर हो सकता है आपको। और यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा उस क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं। तो ये आराम से आप देख लीजिए इस तरह का होता है। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है, ये रीजनिंग का आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ मिल सकता है और यहाँ पे अन्य जो सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित आपके प्रश्न आ गए। और ये 30 है आपका, 50 का रहेगा ये, और इसी तरह का सेक्शन बना हुआ रहेगा। यहाँ फिनिश करना है तो फिनिश कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें एक और सुविधा होता है ना, मान लीजिए इसका बी दे दिए आंसर, ये क्वेश्चन नंबर एक है, सेव कर दिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर एक पे गए यहाँ, अब यहाँ पे देखिए बी दिया गया है, यहाँ क्लियर करने के लिए, क्लियर सिलेक्शन जो सिलेक्शन हमने किया था उसको हटाने के लिए दिया गया, अब दूसरा सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है जैसे में जब वो एग्जाम आप देते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, मिटा के दूसरा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मिटा सकते हैं दूसरा कर सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मान लीजिए कुछ मिस्टेक हो गया, बाद में आपको देखना है इस तरह का रिव्यू करना है, तो ये सारे फायदे यहाँ पे मिलते हैं। लास्ट में क्या करना है आपको, फिनिश कर देना, फिनिश करने पर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई परेशानी हो रहा होगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल जाएगा सिलेक्ट करने का, यहाँ आपका घड़ी चलता रहेगा, ये इधर उधर हो सकता है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना 50 वो शो करेंगे। फिर यहाँ पे अटेम्प्ट रिव्यू वगैरह का कलर रहेगा, ये सारे चीज शो करेंगे और ये होगा। तो माउस अगर आपके पास है तो आराम से जिस जो भी ऑप्शन टिक करना चाहते हैं उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जिस क्वेश्चन को आपको टिक करना है उस पर जाके बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो सेक्शन है, दो सेक्शन या तीन सेक्शन जितना सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे रहेगा। 150 क्वेश्चन है तो मान लीजिए 50 क्वेश्चन एक जगह, 100 क्वेश्चन एक जगह, तो 50 क्वेश्चन इसमें दे दिया जाएगा यहाँ पे शो होगा, और 100 क्वेश्चन इसमें दे दिया जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है, लेकिन इसी तरह का आपका बन के रहेगा। और घबराइए नहीं, थोड़ा सा आप माउस चलाना जाएंगे जान जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इस पे गए हम, और ये क्वेश्चन अगर हमको बनाना है हिंदी में है तो ये आप कलम अपना लेंगे, ये मान लीजिए कलम लिया आपने, कलम लेके अपना यहाँ पे सॉल्व किए जो भी है ये सॉल्व किए, और तुरंत वहां पे जाके चेक करते हैं, टिक करते हैं, टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी क्लब का भी ये बना हुआ है। अब हिंदी क्लब में टाइमिंग नहीं दिया गया है क्योंकि आप आराम से कर सके, देख सके। और इसमें और क्या नहीं दिया गया, इसमें देखिए इसमें भी क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जिसपे जाना चाहें उस पर जा सकते हैं। और ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, यानी आप लोग आसानी से कर सके इसलिए इस तरीके से बनाया गया, जिसमें भी प्रीवियस है, सेव नेक्स्ट है, और इसमें भी फाइनल सबमिट हमने रखा है। और ये चीज यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि आप मोबाइल पे आराम से इस्तेमाल कर सके। हम लोग भी यहाँ दे सकते थे, यहाँ टाइमिंग दिया जा सकता था, लेकिन उससे क्या होता कि आप लोग आसानी से मोबाइल में इसे व्यू करके नहीं देख सकते थे, नहीं अच्छे तरीके से कर सकते। ये जो बनाया गया ये मोबाइल में अच्छे तरीके से आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इतने सारे फंक्शन हो जाते हैं ना कि ये दिखेगा नहीं, इसलिए इस तरीके से बनाया गया एक टेस्ट अलग से। तो इसमें भी आप माउस के सहारे क्लिक कर सकते हैं, जैसे एक ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहने हैं, तो एसी से क्या संबंध है, अब ये बताइए, उस पर हम टिक करेंगे, पिता है, पुत्र है, पौत्र है, चाचा है, मान लीजिए चाचा है, तो ये हम सबमिट करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। फाइनल सबमिट कभी मत कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा, ये याद रखिएगा। कहीं भी अगर फाइनल सबमिट वगैरह लिखा हो तो उसका इस्तेमाल क्या करना है, 150 क्वेश्चन के बाद ही करना है, ये घबराइएगा नहीं। फाइनल सबमिट आप पढ़े हुए हैं, ये आपको हम दिखा भी रहे हैं क्लियर, कि ये इस बटन, इस तरह का बटन होगा, चाहे इसमें जहाँ लास्ट में अलग होगा वो उसमें अलग ही बनाया गया होगा, तो ये नहीं करना। मान लीजिए यहाँ भी दिया रहता है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए, शेर है, माद है, खरगोश है, और वाट का साइन है। तो शेर माद है, तो खरगोश किस में रहता है, जाहिर सी बात है बिल में रहता है, ये बिल टिक हो जाएगा, और ये सेब एंड
नेक्स्ट कर देते हैं। तो हम लोग का जो टेस्ट है ना वो फाइनल सबमिट करते हैं, हमको पता चल जाएगा अभी मतलब कितना क्वेश्चन दिया है। ये यहाँ दिख रहा है दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन हमने दिया है, चार क्वेश्चन में हमको कितना मार्क्स मिलता है टोटल, ये 50 का है, यहाँ देख सकते हैं टोटल कितना है 50 क्वेश्चन है। तो ये टोटल 50 नंबर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखिए भाषा के संबंध में 50 नंबर क्वेश्चन है ये सारे, मान लीजिए ये भी उत्तर है, उत्तर क्या मान लीजिए इसका, हाँ इसका भी उत्तर मैं दे देता हूँ ताकि आपको पता चले त्रिभाषा सूत्र। इसके बाद मैं सेव नेक्स्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक मुझे फाइनल सबमिट के लिए पूछेगा। यहाँ पे देखिए सबमिट टेस्ट डन, ये सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको स्कोर यहाँ बता दिया जाता है, 50 में से 5 हमने आंसर दिए, 5ों ये सही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑनलाइन टेस्ट देंगे उसमें आपको स्कोर नहीं बताया जाएगा, तो उसमें जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद खुद ही वो कहेंगे आपको कि आपका टेस्ट हो गया। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको रिज़ल्ट उसमें नहीं बताया जाएगा, नहीं तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं इसके लिए, और दोबारा क्या कर सकते हैं आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो दोबारा यहाँ पे जाएंगे टेक टेस्ट, टेक टेस्ट में जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए 2011 का क्वेश्चन देखना है तो यहाँ देख सकते हैं, कुछ ही यहाँ क्वेश्चन नहीं दिए गए 2011 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे ये देख सकते हैं। यहाँ स्कोर भी पता चलता है लेकिन उस एग्जाम में स्कोर आपको नहीं पता चलेगा। तो ये था आपका ऑनलाइन टेस्ट, मुझे ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ऑनलाइन टेस्ट से आपको आज के बाद डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा एक ही काम करना है कि इस चीज़ को देख लीजिए, ये माउस है, माउस में फिर से मैं बता देता हूँ ये वाला बटन हमेशा क्लिक करने से सेलेक्ट होता है, जैसे मैं यहाँ हमको क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है मान लीजिए, तो यहाँ मैं करके दोनों एक साथ मान लीजिए माउस में लेके गया हूँ, माउस ऊपर से माउस यहाँ है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देखिए ये वाला बटन मैं दबा रहा हूँ ऐसे, ये क्लिक हो गया सेलेक्ट हो गया ठीक है। और ये ऑप्शन के लिए होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करना, इधर वाले बटन का इस्तेमाल नहीं करना। और ये जो बटन है ये बटन है जो बीच वाला, ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे आ रहा है, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, तो बस यही माउस को सीख लेना, बस इतना चलाना, बाकी सब मैंने बता दिया। केवल ये माउस जो मैं इधर उधर लेके जा रहा हूँ, ये तीर जो इधर उधर, ये चलाना सीखे तो ऑनलाइन टेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हिंदी क्लब पे, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।